والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما حضرت خواجہ محمد فخر الدین مست خدا طالب آرا پیر حدیب ریا کے واسطے حضرت خواجہ محمد یار محبوب رسول بے قصروں کے دستگیر و رہنما کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب محبت دے نال انتہائی ادب تے احترام دے نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو مل کے پڑھ لو الصلات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي حمد و صلات و بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال اللہ تعالیٰ دی کرم اور عطا دے نال جمعۃ المبارک دی مقدس حاضری دا شرف حاصل ہویا مالک ارض و سما دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے حاضری نو قبول و منظور فرما کے قیامت والے دن اسا گناہگاراں لئی بخشش دا سامان سامعین گرامی عید الاضحی دی آمد آمد ہے مسلمانان عالم اس مبارک موقع دے انتظار دے اندر اس مبارک سنت نو ادا کرن واسطے تیاریاں کر رہے ہیں آپ احباب دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ دی سنت اسا عید الاضحی دے موقع تے ادا کرنے ہیں انہ دی مبارک سنت تے عمل کرنے ہیں انہ دی سیرت تواڈے سامنے رکھنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے 124,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے سارے نبی سچے سارے دیاں کتاباں سچیاں جنہ دے اللہ تعالیٰ نے کتاباں نازل فرمائیاں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں نو دین دے کے بھیجیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے لقب عطا فرمایا او لقب کیے جد الانبیاء انبیاء دا دادا یعنی آپ انبیاء دے دادے بھی ہیں
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दे ओ नबी ने जिन्ना वास्ते खालके कायनात ने फरमाया वत्ता खज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। खालके कायनात ने फरमाया इब्राहिम ओ प्यारा नबी है जिन्नू मैं खुद खालके कायनात ने अपना दोस्त बनाया इब्राहिम नो अल्लाह ताला ने फरमाया। तुहाडे सामने कुरान मजीद फुरकाने हमीद दी एक आयत मुबारक तिलावत कीती अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया याद करो किताब दे अंदर, किताब तो मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद दे अंदर याद करो वज़कुर फिल किताब, याद करो किताब दे अंदर वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, इब्राहिम नु याद करो इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। खालिक कायनात ने फरमाया ओ अल्लाह ताला दा बड़ा ही सच्चा नबी है, अल्लाह ताला दा बड़ा ही सच्चा नबी है, सिद्दीकन नबिया अल्लाह ताला दा सच्चा नबी है, सारे नबी सच्चे फरमाया क्यों अल्लाह ताला दे सच्चे नबी है। सामीने गिरामी चलिए जरा उस दौर दे अंदर जिस दौर दे अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आमद हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे तूफान तो बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे दुनिया ते तशरीफ लान तो पहले इस दुनिया दे आए। जो नूह अलैहिस्सलाम दी कौम ने अल्लाह ताला दी नाफरमानी कीती, अल्लाह ताला दे अहकामात ते अमल ना कीता, अल्लाह ताला दे पैगंबरां नू झुटला दिता, नूह अलैहिस्सलाम दी कौम ते अजाब आया ते अजाब की आया, तूफान आ गया, नाले पानी आ गया, तूफान सब कुछ बहा के ले गया सिवाय नूह अलैहिस्सलाम दी उस कश्ती तो जड़ी कश्ती दे अंदर नूह अलैहिस्सलाम सवार सन, नूह अलैहिस्सलाम जड़ी कश्ती दे अंदर सवार सन ओ कश्ती बच गई, आप दे नाल जो उस कश्ती दे अंदर सवार सन ओ लोग बच गए, बाकी सारी दुनिया खत्म हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा जड़ा तूफान आया उस तूफान तो तकरीबन 1709 साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुनिया ते आमद हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो तकरीबन 2300 साल कबल 2300 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप दुनिया ते तशरीफ लेके आए। समीने गिरामी जब दुनिया नु जुल्मत दे अंधेरे घेर लेंदे ने, जब दुनिया दे हुक्मरान बेहिस ते अपनी रियाया ते जुल्म करन लग पेंदे ने, अल्लाह ताला जालिमां दी रस्सियां नु पहले ढीला छड़दा है, अल्लाह ताला आजमांदा है कि ए किस हद तक जा सकदे ने, जदों उहनां दा जुल्म वध जांदा है उहनां दे जुल्म दे अंदर इजाफा हो जांदा है, उहनां दी नाफरमानियां दे अंदर इजाफा हो जांदा है, फिर उस वक्त अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदियां नु जमीन ते नाज़िल फरमा देंदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आले आप दी आमद नहीं हुई, नमरूद दा दौर है, नमरूद बादशाह है ते उस दी बादशाही कितनी है मशरक तो लेके मगरब तक, शुमाल तो लेके जनूब तक, पूरी जमीन के उते कल्ला ही बादशाही कर रहे हैं, कल्ला ही बादशाही कीती जा रहे हैं और उनकी उम्र कितनी है 800 साल उम्र तो बाद फौत होया मरिया, 800 साल उम्र गुजारन तो बाद मरिया नमरूद बादशाह से, वो अपनी बादशाही दे अंदर इस कदर गुरूर विच मुबतला होया, पहले ते अपने आप नु बादशाह कहंदा रहा, बादशाही भी होंदी है सी, दुनिया दे चार बादशाह ऐसे गुजरे ने जिन्हां ने पूरी दुनिया दे हुकूमत कीती है, चार बादशाह, दो मुसलमान बादशाह ते दो काफिर। मुसलमान बादशाह हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो जेड़े काफिर बादशाह ने उन्होंने विच एक बख्त नसर, दूसरे का नाम नमरूद है और नमरूद की बादशाही पूरी दुनिया दे, पूरी दुनिया दे बादशाही बादशाही भी कर रहे हैं और बादशाही करद्या करद्या कितने 100 साल उन्होंने कोई बीमारी नहीं लगी,
कोई बीमारी नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई, हत्ता के इस कदर गुरूर दे अंदर मुबतला होया कि अपने मुल्क दे अंदर ने ऐलान कर दिता कि मैं खुदावा मैनू आके सजदे करो। लोगों वास्ते हुक्म हो गया कि नमरूद खुदा है, नाउज बिल्ला, आओ ते आके नु सजदे करो। लोग आंदे ने ते आके उंदी इबादत करदे ने, उनु सजदा करदे ने, जेड़ा आके उनु सजदा करदा उनु राशन देंदा, सामान देंदा, इनामो किराम देंदा है के मैनु खुदा मंदे ने। अपने आप नु खुदा कहलवाना शुरू कर दिता, पूरी रूए जमीन ते उन्हें ऐलान करवा दिया कि खबरदार कोई किसी होर दी इबादत करे, खुदा सिर्फ नमरूद है, नमरूद नु आके नमरूद दे अगे आके सजदे करो, नमरूद दी इबादत करो। हत्ता के इस हद तक जुल्म दा अंधेरा फैलिया कि घरां दे अंदर ओंदे बुत बन के जाना शुरू हो गए। जेड़े लोग दरबार दे अंदर आ सकदे सन, दरबार दे अंदर आके सजदे करदे ने, जेड़े उत्थे नहीं आ सकदे उन्हां ने बुत बना के अपने घरां विच रखे होए ने, ते बुतां दे सामने नमरूद दा बुत बनया, उंदे सामने जाके अपनी दुआवां भी मंगदे ने, ते नमरूद दे बुत नूं जाके सजदे भी करदे ने। तो तुहानूं पहले मैं अर्ज कर चुका, जिस वक्त जमीन दे उत्ते अंधेरा फैल जांदा है जुल्म दा, जिस वक्त जुल्म सर उठा लैंदा है, जुल्म बेकाबू हो जांदा है, अल्लाह ताला फिर जुल्म नूं पकड़न वास्ते, जुल्म दा खात्मा करन वास्ते अपने प्यारियां दा नुज़ूल जमीन ते फरमा दिंदा है। प्यारे दा नुज़ूल फरमा देंदा है। नमरूद एक दिन सो गया, ओ कौम जड़ी सी सितारियां दी पहले इबादत करदी रही, पता नहीं कोई सूरज नु इबादत, सूरज दे सजदे करदा, कोई चंद नु सजदे करदा, कोई सितारियां दी इबादत करदा, ते ओ नजूमत नजूमियां ते काहिलां दा दौर सी। लोगां ने अपनी किस्मत दा हाल पता करना हुंदा सी ते नजूमियां कोल जांदे सी कि जाओ सितारे वेखो, सितारे ते रोजाना निकलदे सन, सितारे वेखो ते साडी किस्मत दा हाल दस्सो। उस वक्त दे अंदर नमरूद रात नु सो गया, ते सो के उन्हें ख्वाब की वेख्या के एक सितारा उसदे शहर दे तुलू होया, सितारा तुलू हो के आसमाना वाल चला गया, चला गया, चला गया, सितारा आसमाना वाल गया, तो सितारे की रोशनी आसमाना दे फैल गई, फैल गई, फैल गई, रोशनी इतनी फैली कि जितने भी बाकी सितारे सन सारे की रोशनी उनके सामने घट हो गई, रोशनी घट गई, सिर्फ उस सितारे की रोशनी है। ते अर्ज कर चुका वो कौम सितारे ते बड़ा यकीन रखती थी। नमरूद ने जिस वेले ख्वाब देखा तो परेशान हो गया, सुबह हुई तो उन्हें दरबार के अंदर ऐलान करवाया, मुल्क के अंदर ऐलान करवाया, ऐलान करवा के उन्हें क्या कि सारे नजूमी सारे काहिन नमरूद के दरबार के अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, नमरूद बुला रहे हैं। सारे नजूमी इकट्ठे हुए, अपना साजो सामान चुकया, नमरूद के दरबार के अंदर आ गए, अंदर आ गए। उन नमरूद के दिल के अंदर खौफ बैठ गया, पता नहीं ख्वाब की की हकीकत है, ख्वाब का मतलब की है। अपने आप को खुदा कहता सी, लेकिन एक ख्वाब को डर गया, डर गया, डर गया। नजूमी ते काहिन उनके कोल आ गए, जो दरबार लग गया। उन नमरूद अपना ख्वाब सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। जिस वेले नजूमी सामने आए, नमरूद ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया। नमरूद कहने लगा, मैं ख्वाब देखे है कि मेरे शहर के अंदर एक सितारा तुलू होया, वो सितारा आसमाना वाले चला गया, उनकी रोशनी आसमाना ते फैल गई, सारे सितारे की रोशनी उनके सामने खत्म हो गई। नमरूद अपने नजूमिया नू कह लगा, इसकी ताबीर की है, मैं बड़ा परेशान हो गया वा, इसकी ताबीर करो। नजूमी कह लगे, असि सोच के दसने आ। नजूमिया ने अपना हिसाबो किताब लगाया, हिसाबो किताब लगा के कह लगे नमरूद नू, नमरूद नू कह लगे, बादशाह सलामत तैयारी कर ले, बादशाह तेरा पूरा वक्त आन वाला है, इस दुनिया से कोई ऐसा बंदा आन वाला है, तेरी बादशाही भी मुक जाएगी, जड़े खुदाई दे दावे करना है, तेरी खुदाई भी खत्म कर देगा, ओ बंदा आन वाला है, जदों इस दुनिया से आ जाएगा, हर पासे ओंदे रब दा नाम गूंजे।
खतरे का सबब बनेगा। सोचे कि मैं बच्चा वजीर जमा होगा, वजीर कहने लगे हाल यही है कि हाले तक वो बच्चा अपनी माँ के पेट से अंदर नहीं आया, हाले तक पाक की पोश के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला का कानून है कि बच्चा पहले पाक की पोश के अंदर आता है, फिर माँ के रेम के अंदर आता है, फिर दुनिया से आता है। दुनिया ने हिसाब लाया तो हिसाब ला के दसिया कि हाले तक वो बच्चा अपनी माँ के रेम के अंदर नहीं आया, तो तू कोई ऐसा इंतजाम कर ले कि वो बच्चा दुनिया से ही ना आए। अमरूद ने कहा ठीक है, मैं बच्चा दुनिया से ही नहीं आने देवगा। अमरूद की तरफ ऐलान हो गया। अता कहते जब नजूमी आए तो नजूमी आके कहन लगे कि अज की जी रात है ना, जी अज की रात है, इस रात को साडा इलम दसता है सितारे कि ओ बच्चा अज की रात अपने माँ के शिकम के अंदर आ जाएगा, अज की रात अपने माँ के शिकम के अंदर आ जाएगा, कुछ कर सकना है तो कर ले। नमरूद ने ऐलान कर दिया कि ऐलान किया कि जितने भी मर्द ने सारे मर्द शहर तो बाहर चले जाओ, सारे मर्द शहर के बाहर चले जाओ, किसी ने शहर के अंदर नहीं रहना। शहर के अंदर फौज गश्त कर रही है, खबरदार कि कोई बंदा शहर के अंदर रहा। औरतां अपने घर के विच रहन गईयां ते मर्द सारे जंगल में चले जाओ। हुक्म दिता मील हुई, सारे मर्द निकले तो निकल के जंगल वाल चले गए, सारे मर्द जंगल वाल चले गए, औरतां शहर के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का घर सी, आप दे वालदे ग्रामी दी ड्यूटी सी, आप नमरूद दे सिपाहियां में शामिल सी। ड्यूटी की सी के आप दे घर दे बाहर ही आपकी ड्यूटी लग गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वालदे ग्रामी रात का कुछ हिस्सा आप घर के अंदर चले गए तो जाके आराम कीता, रात आपने घर के अंदर गुजारी। बड़िया कोशिशा करांगा उस बच्चे नूं दुनिया ते नहीं आण देवांगा। सुन ले, ओ बच्चा अपनी मां दे शिकम दे अंदर आ गया। नमरूद बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान। नमरूद ने की क्या, मैं बच्चे मरवा देवांगा, मैं कोई बच्चा पैदा हो, जे पैदा हो गया कोई बच्चा दुनिया में आ गया तो मैं उन्हें जिंदा नहीं रहने देवांगा। हत्ता के कानून बन गया, कानून बन गया जी, बच्चा कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। नमरूद ने लखा हजारा बच्चे मरवा देते, बच्चे ने पैदा होना, फौजियां ने पहुंच जाना होना, बच्चा फड़ना, मां दे सामने बच्चे नु जिबा कर देना, मां दे सामने बच्चे नु मार देना, जमदे बच्चे नु, पैदाइशी बच्चे नु। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में नजूमिया ने दसिया के वालदा दे शिकम दे अंदर मौजूद ने। नमरूद ने बच्चे मरवाने शुरू कर दिए थे, तो उनकी कोशिश की थी कि मैं बच्चे पैदा ही नहीं होने देवांगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया फल्लाहु खैरुल हाफिज़ व हुवा अरहमुर रहीमीन। खालिक कायनात ने फरमाया कि अल्लाह ताला सब तो बेहतर हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ताला सब तो बेहतर हिफाजत करने वाला है, फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के शिकम के अंदर पल रहे, उधरू नमरूद अपने पूरे पूरे जुल्म कर रहे हैं, बच्चों का कत्ले आम जारी है, बच्चियां जिंदा ते बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, क्योंकि नमरूद का हुक्म सी कोई बच्चा जिंदा ना रहे। नमरूद ने अपनी सारिया कोशिशां कीतियां,
कीतियां लेकिन अल्लाह ताला दा वादा है जेड़ा मैं इरादा कर लेना वा पूरा हो जांदा है। उधर इब्राहिम अलैहि सलाम दी आमद दा वेला करीब आ गया, इब्राहिम अलैहि सलाम दी आमद दा वेला करीब आ गया। उधर नमरूद अपना जुल्म और सितम कीती जा रहे है, बच्चियां नु मरवाई जा रहे है, लेकिन शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोलिया। ते शायर बोल के कहन लगा, ना फानूस बल फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आमद दा वेला करीब आ गया, आप दी वालदा माजदा फरमांदियां ने मैनू महसूस हो गया, मैनू महसूस होया कि मेरा पुत्र दुनिया दे आने वाला है। आप फरमादिया ने कि मैं सोचिया जे अगर शहर दे अंदर रही बच्चे तो हाथ दो बैठांगे, जाहिर है खबर चलनी है तो खबर पहुंच जानी है नमरूद दे दरबार दे अंदर, तो मैं अपना बच्चा बचाना है, इनू जिंदगी देनी है, मैं बच्चा बचाना चाहनी है। मावां नू पुत्र होंदे ही प्यारे ने, औलाद प्यारी होंदी है। आप दी वालदा माजदा फरमादिया ने कि मैं निकली ते निकल के जन्नत मैं जंगल वाल चल पई, जंगल वाल गईया ते जाके एक गार तलाश की थी, गार तलाश की थी आप दी वालदा माजदा ने। तो जिस पे ने सैयदा इब्राहिम अलैहि सलाम दी वालदा माजदा गार दे अंदर गईया, आ फरमांदियां ने जदों मैं गार विच गई, गार दे विच अंधेरा है, जिस पे ने मैं गार दे विच कदम रखेया हर पासे नूर नूर फैल गया, हर पासे रोशनी ही रोशनी आ गई। आप फरमादिया ने हत्ता कि इब्राहिम अलैहि सलाम दुनिया दे आ गए, जदों इब्राहिम दुनिया दे आए आपका चेहरा जगमगा रहे है, हर पासे नूर ही नूर फैल गया, गार के अंदर रोशनी है। आप फरमादिया ने मेरा पुत्र दुनिया दे आ गया, आपका चेहरा बड़ा रोशन है। ते मियां साहब आप फरमांदे ने सूरज वांग सूरज वांग नूरानी मैं था, सूरज वांग नूरानी मैं था, नजर न की जावे सूरज वांग नूरानी मथा नजर ना कीती जावे जे पत्थर दिल वाला देखे अखी बाणी आवे। इब्राहिम अलैहि सलाम दा हुस्न है, इब्राहिम अलैहि सलाम दुनिया दे आ गए और आप दे हुस्न दी वजह की सी आपका इतना हुसन। जदुल अंबिया अंबिया दे दादा जान और अल्लाह ताला ने हुसन भी बेमिसाल अता फरमाया, और शाना है कि अल्लाह ने फरमाया मेरा खलील है, वत्ता खज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, अल्लाह ने फरमाया मैं इब्राहिम ने अपना खलील बनाया है, इब्राहिम ने अपना दोस्त बनाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आमद हुई तो आपके चेहरे की नूरानियत आलम इतना सी कि रोशनी रोशनी है, आपकी वालदा माजदा फरमांदियां ने मैं बच्चे नु छड़िया तो मैं छड़ के वापस आ गई।
मेरे दिल दे अंदर खौफ सी ना कि मैं शहर दे अंदर जानी हां नमरूद मार देगा गार दे विच कल्ला छड़ के जावां ते कीना जावां। आपने सोचिया कि मैं छड़ के चली गई, मैं के जेड़े खालिक कायनात ने दिता है वो हिफाजत भी आप ही करेगा, जेड़े रब ने दिता है हिफाजत भी आप ही कर लेगा। इब्राहिम अलैहि सलाम दी वालदा माजदा वापस आ गई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज दी रात गए, मेराज दी रात गए थे, आप दी मुलाकात इब्राहिम अलैहि सलाम नाल कितना सी, आप दा हुस्न कितना होएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज दी रात आसमाना दे गए, ते कौन है दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज दी रात आसमाना दे गए, मेरे नबी ने फरमाया मैं सातवें आसमान ते गया, उठे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बैतुल मामून नाल टेक लगा के बैठे ने, कौन है दे वाली ने फरमाया मैं उन्हां नूं मिल के आया वा, मेरे हुजूर दे सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सानू ए ते दसो इब्राहिम अलैहि सलाम दा हुसन कितना है, इब्राहिम अलैहि सलाम दा हुसन कितना है, कौन है दे वाली ने फरमाया सहाबा मेरे दादा इब्राहिम दा हुसन इतना है, अगर तुसी उन्हां दा हुसन वेखणा है मोहम्मद दे चेहरे नूं वेख लो। हुसन 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 हुजूर ने फरमाया कि मेरे चेहरे नूं वेख लो, मेरे दादा दी हूबहू शक्ल मेरे वर्गी है, इतना हुसन इब्राहिम अलैहि सलाम दा है। हुजूर दा हुसन सहाबा फरमांदे ने कि हुजूर दा हुसन इतना है कि ना दुनिया बनन तो लेके अज तक किसी ने तेने कोई एडा सोना होना है ते ना दुनिया रहण तक कोई ऐसा दुनिया ते आएगा। हुजूर दा हुसन दी वालदा माजदा फरमांदियां ने मैं छड़ के आ गई, दिल दे अंदर खौफ सी ना कि किधर नमरूद मारना दे बच्चे नूं, आ फरमांदियां ने मैं छड़ के आ गई, चंद दिनां बाद वापस गई ते मैं जा बोले कोई चीज है बड़ी तवज्जो ऐसा ही है या बाहर भी कुछ है, आपने फरमाया पूछा बाहर भी बहुत कुछ याद नहीं दिखावा इब्राहिम तोड़ रहे हैं, इब्राहिम देखा जानवरों में देखा अपनी वालदा मालदा ने वाद करते हैं अम्मा जी जानवर ने इन्हों पाल कौन रहा है, इन रब कौन है, पालन वाला कौन है, इन्हों खवाण वाला कौन है, इन्हों बना वाला कौन है, आपने इब्राहिम अलैहि सलाम के ज़हन में फिर सवाल आया, आप अपनी वालदा मालदा आपने अम्मा जी चलो इन्होंने बारे दस दिए कि कोई ना कोई रब होना है, लेकिन मैं ये तो दसो कि मेरा रब कौन है, मेरा रब कौन है, आपकी वालदा माजदा फरमा दिया ने तेरा रब रब का माना पालन वाला है, आपने फरमाया तेन मैं पालनी हाँ, इब्राहिम अलैहि सलाम ने अर्ज़ की अम्मा जी मैनू तुसी पाल गए हो तुहाडा पालन वाला कौन है, आपने फरमाया मैनू तेरा बाप पालदा है, आपने अर्ज़ की अम्मा जी मेरे बाप नू कौन पालदा है, आपने फरमाया नमरूद का मुलाजम है उन्हें नमरूद पालदा है, इब्राहिम अलैहि सलाम ने अर्ज़ की अम्मा जी नमरूद नू पालन वाला कौन है, आपने फरमाया पुत्र
ਨਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਮਰੂਦ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਮਰੂਦ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ जिंदी खातर नमरूद ने कई बच्चे बर्बाद दिते मुबारक बच्चा है जेड़ा दुनिया में आएगा तो रब की वहदानियत का ऐलान करेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो वालदा ने इकलाब फरमाया आपके दिल के अंदर डर बैठ गया आपने फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठ गई गार के अंदर छड़िया वापस जीप ले गया आके सारा माजरा अपने शोहर को दसिया आपने फरमाया मैनू तो लगता है कि वही बच्चे की आमद हो गई है जड़े बच्चे के बारे नमरूद ने नजूमिया को पूछा सी वो बच्चा दुनिया से आ गया है हूँ उस बच्चे ने आके अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान भी करना है और नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुनाजरा होया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के पुत्र ने भी तोड़िया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान बचपन तो फरमाया और एक गल बड़ी बात है जड़ी चीज का फैसला फरमा लेंदा है एक साडा अकीदा है ना ईमान है कि जेड़ी चीज़ का भी अल्लाह ताला फैसला फरमा लेंदा है वो हो के रहती है और जेड़ा भी बंदा जेड़ा भी बादशाह जेड़ा भी बड़ा बंदा जुल्म किसे छोटे से करता है आखिरकार एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जेड़ा जुल्म करने वाला है अल्लाह ताला उन्हें ते गिरफ्त फरमाता है और अल्लाह ताला फिर ऐसी गिरफ्त फरमाता है कि अल्लाह ताला उनका कख नहीं रहन देता अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया दोनों के अंदर अल्लाह ताला उन्हें तबाहो बर्बाद करके रख देता है आज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमद के बारे सुनिया अगले जुमा के मुबारक में इंशाअल्लाह तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आप दे घर के अंदर आप दा चचा बुत बनांदा सी बुत बेचदा भी है सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत थोड़े भी नमरूद नाल मुनाजरा भी किया हत्ता के नमरूद ने आप को अग के अंदर भी भेजा ये सारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जड़ा वाकया है तज़किरा है इंशाअल्लाह तआला अगले जुमा मुबारक में इत्थों ही अर्ज किया जाएगा तमाम मां बाप बर वक्त तशरीफ ले आना वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।